हाय गाइस, दिस इज़ सपना एंड यू आर वॉचिंग सपना जान अग्रवाल चैनल। आई थिंक आप लोग बहुत दिन से मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे और आप सबसे भी बहुत ज़्यादा मैं आपको वीडियो देने के लिए वेट कर रही थी। और आज मैं आपको अपने कुछ ब्लाउज़ का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ जो कि अभी काफ़ी सारे हैं मेरे पास में, तो मैं अभी जस्ट पार्ट वन ला रही हूँ। तो गाइस, अगर इस सारे डिज़ाइन में से आपको एक भी डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ताकि तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। और प्लीज़ गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज़ है जो इसका लुक कुछ ऐसा है। ये देखिए, इसका बैक का भी डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊँ। इन सारे के पिक्स मैं आपको अटैच कर दूँगी ताकि आप इन पिक्चर्स को क्लियर से देख सकें। ये देखिए, इस पे पीछे से मैंने ये छोटे छोटे इस पे बो बनवाए हैं। इन सारे बोज पे मोती लगी हुई है। ये देखिए, पूरे में ही बो का डिज़ाइन है। और इसके बाजू में मैंने ये फ्रिल लगवाया है। ये नेट के कुछ फैब्रिक्स है, आप चाहे तो मार्केट से ले करके इन फैब्रिक्स को अटैच करके और आप इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप जब भी ब्लाउज़ सिलवाएं तो आप ब्लाउज़ को थोड़ा लॉन्ग रखें ताकि इन फ्यूचर अगर आप हेल्दी भी होते हो या कुछ भी तो आपको ये इशू नहीं हो कि आपके ब्लाउजेज जो हैं वो मतलब पीछे से उठ जाते हैं जो, वो तो वो समस्या आपको नहीं होगी। देखिए, इसके फ्रंट के इसके नेकलाइन पर मैंने ये बॉर्डर लगवाया है। मैं इसका फ्रंट और बैक आपको दोनों पिक दे दूंगी ताकि आपको क्लियर हो सके। तो हो सकता है आपको ये यहाँ दिख नहीं रहा हो क्योंकि ये बहुत लाइट कलर का ब्लाउज़ है, बट जब आप इसे पहनोगे तो शायद आपको इसका लुक समझ में आएगा। ये देखिए, ये ना कुछ इस तरीके से आता है। मैं आपको इसे एक ट्रायल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पहनने के बाद भी ना बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है और इसका ये लुक यूँ ऐसे आएगा इस कॉलर पर। तो ये पहनने के बाद में ना बहुत ही इसका फैंसी लुक आता है। तो आप प्लीज़ ऐसे एक ब्लाउज़ तो ज़रूर बनवाएं जो आपकी हर तरह की साड़ी पे चल सके, चाहे वो इंडियन हो या मॉडर्न हो। तो चलिए नेक्स्ट ब्लाउज़ की तरफ चलते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट है मेरा ये पिंक कलर का ब्लाउज़। ये देखिए, ये है इसका डिज़ाइन। और इसके बाजू को भी मैंने ये सिंपल ही रखा है। ये मैंने इसे शॉर्ट बाजू रखा है क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है, आप चाहे तो इसे फुल स्लीव भी अटैच कर सकते हैं। और फ्रंट की डिज़ाइन को मैंने एज़ यूजुअल सिंपल ही रखा है, जस्ट इसे एक वी नेक दिया है। तो आइए मैं आपको अब अपना थर्ड ब्लाउज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके बाजू को पहले मैं दिखाती हूँ। इसका बाजू बिल्कुल सिंपल मैंने रखा है। देखिए, आप चाहे तो नेक को अपने हिसाब से करवा सकते हैं, मुझे थोड़ा सा ब्रॉड नेक पसंद है तो मैंने इसलिए इसे ऐसे स्टिच करवाया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट ब्लाउज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ये गोल्डन कलर का। मैं इसके सारे पिक्स भी आपको अटैच करती जा रही हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में ईजी रहे। तो ये देखिए, ये है इसके गले का डिज़ाइन। ये मैंने इसमें रेड कलर का पाइपिंग दिया है और इसे बाजू को मैंने बिल्कुल भी प्लेन रखा है, इसमें कोई भी डिज़ाइन कहीं कुछ नहीं दिया है। ये देखिए, और इसे सामने से मैंने ये चोली कट टाइप का ब्लाउज़ बनवाया है। अगेन, ये भी एक गोल्डन ब्लाउज़ है। ये भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये जब पीठ पे बन के आता है, जब ये बैठता है आपके ब्लाउज़, तो पीठ पे एक बहुत अच्छा सा आपका लुक क्रिएट होता है। ये थोड़ा सा ना तिरछा है, आना तिरछा है, छोटे छोटे गैप्स बने हुए हैं, उसमें ये टसल्स मैंने लगवाए हैं। नेक्स्ट ब्लाउज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का ब्लाउज़ है। ये देखिए, ये है इसका बैक का लुक। और इस पूरे ब्लाउज़ में मैंने ये गोल्डन पाइपिंग दिलवाई है ताकि ये इसके लुक को और थोड़ा सा इन्हेंस कर सके। और रेड कलर का वेलवेट का बटन मैंने इसमें अटैच करवाया है ताकि ये इसमें, और ये ना ये ओपन क्लोज होता है, तो आप चाहे तो इसे ये और बॉर्ड हो सकता है, बट यूँ ऐसे क्लिक करके इसे ये लगाने का। नेक्स्ट ब्लाउज़ की ओर बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको इसका बैक का डिज़ाइन दिखाती हूँ, पैच वर्क जिसको कहते हैं, मैं उस सारे डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट, आपको जैसे जैसे वीडियोस अच्छे लगते जाएंगे, आप कमेंट करते जाएंगे पार्ट्स और लाने के लिए, उनके भी मैं आपको वीडियोज़ देती जाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं इसका ये नेक्स्ट डिज़ाइन जो है। ये देखिए, ये ब्लू कलर में ये पैच, ये देखिए मैंने इसके लास्ट में बीच में इसमें तीन बटन्स की डिटेलिंग करवाई है। और ये आपका ये पूरा इसका कंप्लीट लुक है। इसके बाजू को भी मैंने शॉर्ट रखा। अभी इन दिनों आप जितने भी देख रहे होंगे, मेरे गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो इसलिए मैंने कुछ बाजू शॉर्ट्स ही करवाए हैं, और जो ये इसका वर्क था वो मैंने इसमें अटैच करवाया है।
इसका वर्क काफ़ी कम था इसलिए मैंने इसे सिर्फ बाजू में डिलवाया है, और इसलिए मैंने इसे ब्लाउज़ के फ्रंट में भी मैंने इसका, ये देखिए ये सिंपल ही है, सिर्फ गोल्डन कलर की मैंने इसमें पाइपिंग डलवाई है और कुछ नहीं। तो चलिए अपने नेक्स्ट ब्लाउज़ की ओर बढ़ते हैं जो कि है ये इस कलर में। तो ये देखिए इसका नेक काफ़ी, मैं आपको इसकी रियल बात बताऊं, इसका नेक काफ़ी ब्रॉड हो चुका था, काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो फिर मैंने इसमें बाद में ये नेट का जो है ये थोड़ा सा डिटेल इसमें डलवा दिया ताकि ये थोड़ी सी इसकी मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्रॉडनेस है वो कम हो जाए। और इसका जो कुछ वर्क था वो मैंने कुछ इसमें ये बैक में डलवाया, ये नीचे की ओर, क्योंकि ब्लाउज़ के ये नीचे का भी लुक काफ़ी अच्छा आता है, ये आपको दिखता है आपके पीठ पर। और जो इसका बॉर्डर था वो अगेन मैंने इसके बाजू में डलवाया, ये भी अगेन मेरा एक शॉर्ट ब्लाउज़ है, इसमें ज़्यादातर सारे शॉर्ट ब्लाउजेज़ ही होंगे। नेक्स्ट मैं आपको थ्री क्वार्टर के भी ब्लाउजेज़ के दिखाऊंगी। और ये देखिए ये मैंने इसमें रेड कलर की पाइपिंग डलवाई, और इसके पूरा सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा यूँ स्टेप से आ करके इसका ये नेक का डिज़ाइन है जो ये। और नेक्स्ट है ये ग्रीन कलर का ब्लाउज़ जो अगेन मेरा बहुत फेवरेट ब्लाउज़ है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है पहनने के बाद में, इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये ब्लैक कलर के कपड़े से मैंने सिर्फ इसमें ये ट्रायंगल शेप्स डलवाए हैं, इस पर भी मैंने ब्लैक कलर की पाइपिंग से, क्या होता है ना कि ब्लाउजेस काफ़ी फिटेड होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने ब्लाउजेस में अगर मोस्टली कोई कलर ना हो तो सेम ब्लाउज़ की कलर का पाइपिंग डलवाएँ, उससे क्या होता है आपकी ब्लाउज़ बहुत अच्छी फिट बैठती है। एंड अगेन ये थोड़ा सा राउंड भी नहीं है, हार्ट शेप भी नहीं है, उसके मिडिल का जो भी शेप आप इसे कह लें, ये थोड़ा सा उस टाइप का शेप का है ब्लाउज़। तो ये एक मेरे लहंगे का ब्लाउज़ है, और अगेन मैंने इसे शॉर्ट बाजू में ही रखा है, इसमें मिरर वर्क है, थ्रेड वर्क है, मोती का वर्क है, पता नहीं कितने सारे वर्क है इसमें। तो ये मैंने इसको यहाँ लगवा लिया है, ये देखिए ये बाजू में है, ये हो गया, ये है आपके बैक का लुक। ये देखिए मैं इसे कंप्लीट दिखाने की कोशिश करूँगी आपको, ये आपका, ये मैंने अंदर में इसमें ये मैरून कलर का पट्टी डलवाया, उसके ऊपर से गोल्डन मैंने ट्रायंगल बनाया, तो उसके बाद में इसका ये। तो अगेन ये मेरा एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेड कलर का ब्लाउज़ है। तो पहले मैं आपको इसका फ्रंट लुक दिखाती हूँ, लुक एट द वर्क, इसकी ये जो डिटेलिंग है ना ये मुझे बहुत पसंद है। एंड अगेन ये मैंने चोली कट रखवाया है जो 4 स्टिच वाले होते हैं, और ये बाजू पर मैंने फ्रिल डलवाए, मैंने इसमें डबल फ्रिल डलवाए हैं, एक थोड़े से छोटे रखे हैं, एक स्लिप्स को थोड़ा सा मैंने लॉन्ग रखा है, बैक में मैंने इसे बोट नेक रखा है। देखिए और आई थिंक आपको ये थोड़ा सा करीब से दिखाऊं तो दिखेगा, इसमें मैंने छोटे छोटे से फ्लावर्स की डिटेलिंग करवाई हैं, ये देखिए जैसे ये गोल्डन फ्लावर के पेटल्स हुए ना तो उसमें रेड कलर का बटन है, और ये अगर रेड कलर के इसके पेटल्स है तो इसमें गोल्डन बटन्स है। ये है इसका कम्प्लीट लुक, और बाजू का लुक भी बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए ये आपको एक बहुत ही मॉडर्न सा लुक देता है। तो आप इसे कोई भी सिंपल साड़ी के साथ अटैच करेंगे ना तो ये देखिए, तो ये आपके उस साड़ी, सिंपल सी साड़ी को बहुत सोबर, बहुत फैंसी बनाने वाला है। ये देखिए ये बाजू आप देख रहे होंगे। तो गाइज़ ये तो थे मेरे अभी के रिसेंट के कुछ कलेक्शंस। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड मुझे भी काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट करके बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट और अच्छे अच्छे ब्लाउजेज़ के डिज़ाइंस आपके लिए लेकर के आऊँ। और जैसे आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को प्यार देते हैं, आई होप इस वीडियो को भी आप बहुत प्यार देंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, टेक केयर।